CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थीं। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी के गुस्से से भरी आवाजें, वो मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़िया पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज में एक नई आशा जग उठी और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा।
एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हूं। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो ये आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हांकते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूं, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहां की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। अभी आप सुन रहे थे बाज और सांप, प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।